आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एग्जाम के साथ और मैं हूँ अपने पीछे वाले एरिया जहाँ पे पार्किंग एरिया है वहाँ पे हूँ। सब लोग यहाँ पे ही हैं और हमारे साथ एक नया मेहमान भी है जो आज मतलब जा रहा है। यहाँ पे ना गाइस कछुआ है, भाई को ना रास्ते पे मिल गया था, एकदम बीच रास्ते पे आ गया था तो वो लेके आ गया था, लेकिन पता नहीं कुछ खा ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कल से ये यहाँ पे ऐसा ही पड़ा है तो हम लोगों को अभी हम लोगों को अभी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे ही तालाब है मेरे घर के पीछे तो वहाँ पे ही अभी इसे छोड़ के आ जाते हैं। तो डेनिस ने इसे पकड़ा है, सब लोग आ रहे हैं इसको विदा करने के लिए, एक कछुए के लिए सब लोग पीछे आ रहे हैं क्योंकि पता नहीं एक दिन हुआ है लेकिन सबको ना एक अलग सी मतलब अटैचमेंट। अभी अच्छा भी नहीं लग रहा है इसे, ऐसे छोड़ने का मन भी नहीं हो रहा है लेकिन ये कुछ खा ही नहीं रहा है तो फिर क्या करें। इससे बेटर है कि तालाब में फिश वगैरह होगी तो ये कुछ ना कुछ खा लेगा। तो हम लोग आप लोग देख सकते हैं मेरे घर के पीछे ही तालाब है, वहाँ पे आए हैं। ठंडा ठंडा पवन है यहाँ पे, देखो ये तालाब है पूरा भरा हुआ है। रुकिए बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग इसे छोड़ रहे हैं तालाब में। ऊपर मुकुंद वाला कहाँ जाए जुए हमरे, हाँ ये जाए कि नहीं तो जुए रे और ये बहुत बड़ा भी है। देखो गाइस कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है ये। और आज ना मैंने फाइनली नया नाइट सूट पहना है। मैं सोच रही थी कि कब मैं विंटर वाले जो कपड़े में लाई हूँ नए नाइट सूट वगैरह कब यूज़ होगे। फाइनली अभी थोड़ी बहुत भी यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी यहाँ पड़ने लगी है तो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ना बेल्ट बांधा है, बाकी मैं आप लोगों को बाद में फुल लुक दिखाती हूँ। सो ये है मेरे तालाब का, घर के पीछे तालाब का व्यू। वैसे अभी बहुत गंदा पड़ा है, इसकी हालत बहुत बुरी है। आप लोग देख सकते हैं तालाब कितना गंदा है, ये मेरे घर के पीछे ये तालाब है तो वैसे अभी बहुत गंदा पड़ा है। और यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा और आप लोगों ने देखा जैसे हम लोगों ने रखा तुरंत ही चला गया। एक बात आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं यहाँ मम्मी के घर ही रहती थी ना, तब मैं डेनिस के साथ बात करने के लिए यहाँ पे बहुत आती थी। तो इस जगह के साथ ना बहुत सारी यादें मेरी जुड़ी हैं बोल सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी वो सैटरडे संडे मिलने के लिए भी यहाँ पे बहुत आते थे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठने के लिए भी आते थे। तो बहुत सारी यादें जुड़ी है। और मैं भी बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आई हूँ, पहले तो प्रेगनेंसी थी तो इसलिए मैं ज़्यादा बाहर यहाँ पे आती भी थी तो भी इतना बाहर निकलती नहीं थी। फिर इसके बाद ये डिलीवरी एंड ऑल ये सब मैं बहुत दिन के बाद यहाँ पे मैं आई और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं बाहर निकली हूँ। और गुजरात में ठंडियाँ शुरू हो गई है बोल सकते हैं क्योंकि अभी विंटर के कपड़े की ज़रूरत हो रही है यहाँ पे। ये रही मम्मी और मैंने लिपस्टिक की है क्योंकि मैं आज वीडियो शूट कर रही थी। और हाँ गाइस आज ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं घर पे, मामा मामी मेरे और वो सब लोग आ रहे हैं क्रीवा को मिलने के लिए बेबी के साथ। और नानी और मासी भी, नानी और मासी भी शायद कल चले जाएगी मामा के साथ, तो अच्छा भी फील नहीं हो रहा क्योंकि इतने दिन से सब लोग घर पे थे। तो बस अभी बेबी को फिट करवाया और देखो यहाँ पे डैडू के साथ टेंशन। सो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आज डिनर की तैयारी कर रहे थे, डिनर में आज बन रहा था पुलाव करी। सो बस मैं वही प्रिपरेशन कर रही थी और मुझे कमेंट आई थी कि हम लोग 1.5 मंथ तक किचन में नहीं जाते हैं और हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो वैसे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब सबके घर के अलग अलग तरीके होते हैं, आप लोगों के वहाँ क्या होता है आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट के थ्रू जो आप लोग शेयर करते हैं वो पढ़ के मुझे भी पता चलता है। लेकिन हमारे यहाँ गाइस 10 दिन के बाद किचन में आराम से काम करते हैं सब लोग और मैं इतना हैवी काम नहीं कर रही हूँ। वैसे भी अभी सी सेक्शन हुआ है, डिलीवरी के बाद मैं इतनी भारी चीज़ें इतना भारी काम मैं नहीं कर रही हूँ। हल्के फुल्के जो काम है वो मैं मम्मी को थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। बस ऐसे ही चल रहा है, दिन निकल रहे हैं, कब दिन निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा है बेबी के साथ।
इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और ये जो क्लिप देख रहे हैं डिनर करने के बाद की क्लिप है। मामा और सब लोग जो गेस्ट आने वाले थे वो आ गए थे क्रीवा को मिलने के लिए। सो यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए थे, मेरे मामा मामी और बाकी बहुत सारे लोग। डिनर करने के बाद मैंने थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड किया और मैंने ज़्यादा कोई शूट नहीं किया था, सीधा आप लोगों को मिलते हैं कल मॉर्निंग में, क्योंकि इसके बाद मैंने थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताया और फिर सो भी गए थे हम लोग, जल्दी सो गए थे, ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ रही थी उस दिन इसलिए। तो चलिए मॉर्निंग में कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कल सब लोग गेस्ट आए थे तो फिर मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, मेरा मूड भी नहीं था इतना अच्छा और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और अभी सुबह सुबह मैंने शावर ले लिया है, शावर लेने के बाद मैं अपने ऊपर वाले कमरे में ही हूँ, मम्मी रात बना के लेके आई तो मैं बस रात पी रही हूँ और साथ में छोटू बेबी भी मेरे साथ यहाँ पे ही है। और देखो गाइस कौन आया, ध्रुव मेरे मामा का लड़का, छोटा सबसे छोटा वाला मामू आया है आज मिलने के लिए। फिर इसके बाद मैं नीचे आ गई थी, सब लोग वैसे मंदिर गए थे, मैं और मम्मी ही घर पे थे, तो तब तक हम लोगों ने जो भी है लंच की प्रिपरेशन कर ली, थोड़ी बहुत जो काम था वो फिनिश कर लिया। बाकी आने वाले दिनों में आप लोग क्या देखना चाहते हैं, मैं कौन सी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आजकल आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट बहुत कम आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ आपकी कमेंट को। प्लीज़ अच्छी अच्छी कमेंट करो ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट और अच्छे व्लॉग लेकर आ पाऊँ और मुझे पता चले कि कौन कौन मेरा वीडियो देखता है। यहाँ पे लंच करने का टाइम हो गया था तो सब लोग लंच कर रहे थे और मेरा लंच हो गया था सबसे पहले। मैं आजकल सबसे पहले लंच कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी और सब लोग बोलते हैं कि बेबी को फीड करवाना होता है तो जल्दी खा लेना चाहिए, इसलिए मैं दोपहर को भी 12-1 बजे तक तो मेरा लंच हो जाता है और सुबह मॉर्निंग में मैं नाश्ता कर लेती हूँ 7-8 बजे के करीब, और रात को भी 8 बजे तक तो मेरा डिनर हो जाता है। गुड इवनिंग गाइस, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है और पता नहीं क्यों आज ना बिल्कुल भी मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोगों ने देखा सब लोग आए थे तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कल रात को भी मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया और ये 2 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, फिर थोड़ी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की। तो शाम का टाइम है, दोपहर का लंच वगैरह भी हो गया था, इसके बाद सब लोग बैठे थे ऐसे ही बातचीत कर रहे थे तो थोड़ा फैमिली टाइम मैंने भी स्पेंड किया ये 2 दिन। और अभी सब लोग निकलने वाले हैं, शाम को सब लोग निकल जाएंगे और मासी और भाभी आज चले जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि इतने दिनों से सब लोग साथ में थे। डिलीवरी के पहले ही नानी और मासी आ गए थे तो बहुत दिन साथ में निकाले हम लोगों ने, समझो 20-25 से हम लोग साथ में ही हैं सब, कभी ना कभी जाना तो है ही सबको। और आज संडे था तो कोई ना कोई मिलने को भी आ रहा था बेबी को, पूरा दिन इसमें ही निकल गया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं की और ज़्यादा शूट भी नहीं किया। अब मैं कपड़े चेंज करने के लिए जा रही हूँ, स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, नाइट सूट पहन लेती हूँ। और आज पता नहीं क्यों मुझे हेडेक जैसा हो रहा है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मम्मी बोल रही थी कि डिलीवरी के बाद होता ही है ऑपरेशन, मेरा ना दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। स्कार्फ बांध बांध के मेरा पॉक भी खराब हो गया है, मेरे हेयर भी खराब हो गए हैं। चलिए कपड़े निकालते हैं और कपड़े चेंज करते हैं।